जल्दी आ गई। डर गई वो पटाखों से। गुगु आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मीठा हो जाए। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज दिव्यानी और स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग। आज है विजयदशमी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को वेरी 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 हैप्पी दशहरा। और दशमी का मतलब है कि आज है विसर्जन का दिन। नीचे हवन सुबह से हो रहा था, कोई फाइनल हवन होता है मोस्ट प्रोबेबली, मुझे वही लगता है वो, क्योंकि जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन ऐसे ही वो वाली आवाज़ आ रही होती है। सो वो फाइनल हवन अभी होके हटा है और अब वो लोग मे भी तैयारियाँ कर रहे होंगे माता रानी के साथ। वो लाल रंग से पूरी होली वोली भी खेलते हैं जहाँ तक मुझे पता है, नॉट 100% श्योर, पर यस मुझे पता है कि माता रानी के साथ खेली जाती है पहले होली, उसके बाद विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो उसके बाद फिर सुनो सुनो सा लगेगा, क्योंकि इतने दिन ऐसे सारा चलता रहता है, पूजा की आवाज़ आती है, गाने वाने गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सारी आवाज़ें आती है तो लगा रहता है दिल। अब जैसे एकदम से थोड़ा शांत हो जाएगा, तो कोई नहीं। उसके बाद 4 o'clock के आसपास लेके जाते हैं माता को विसर्जन के लिए, और उसके बाद फिर 5:30 तक में भी मोस्ट प्रोबेबली कर देते हैं विसर्जन। आई एम नॉट श्योर बट यस मोस्ट प्रोबेबली 5:30 तक हो जाता है विसर्जन। उसके बाद वो दशहरे की भी तैयारी होने लग जाती है, वो ट्रक पे जो ऐसे बन के आते हैं वो सारे, जब स्प्राइट होती थी स्प्राइट ऐसे खिड़की पे जाके भौंकती थी जब भी वो दशहरे वाली वो झांकी टाइप आती है कि उन्हें पटाखों से बहुत डर लगता है ना लोगों को, तो ऐसे करती थी। और आज है दशहरा, ऑब्वियसली हम दशहरा देखने तो नहीं जाएंगे बट हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। जाते बचपन में जाते थे, बचपन में तो मैं बहुत जिद भी करती थी कि लेके चलो। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब प्रॉपर बड़ी नहीं, जब थोड़ी सी बड़ी हुई उसके बाद मुझे पता चला कि आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक और वहाँ पर भीड़ देख के मुझे डर लगने लग गया था। उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं गए ना जाते, और जाना भी बहुत स्केरी है, मतलब इतनी सारी भीड़ में ऊपर से वो आग लग रही होती, मतलब डर ही लगता है जाने में। सो और कोई ऐसा शौक भी नहीं है जाके देखो कि भैया जल रहा है उसमें कौन से, पता नहीं, मतलब बहुत लोगों को होता है शौक के भी जाके दशहरा देखो, ठीक है देखो, मतलब जो दिल को अच्छा लगे वो करो। फेस्टिवल का मतलब ये होता है कि आप खुशियाँ सेलिब्रेट करो। सो हम तो नहीं देखने जाएंगे, हम घर पे ही दशहरा मनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे इन्जॉय करते हैं, स्नैक्स वैक्स खाते हैं, उसके बाद आराम से सो जाते हैं। और हाँ, आज के दिन गुग्गू को जल्दी से ले आते हैं पापा पार्लर से, क्योंकि दशहरे की वजह से जाम लगने लगता है और जाम में लेट हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी लेकर आ जाते हैं। गुग्गू गुस्सा करती है मेरे को नहीं लेकर आना, पर हम लेकर आ जाते हैं जल्दी से। और जैसे कि मैंने बोला कि दशहरा हम बचपन में देखने जाते थे, और एक बार की बात मुझे अभी जस्ट याद आई कि जब हम छोटे थे ना, तो हम जितने भी सारे कज़न बहन भाई हैं उनमें से जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं ना, उनको भी वो उन्होंने ना एक बारी हम लोग पता नहीं नानी के घर थे या शायद मासी के घर थे, आई एम नॉट श्योर, पर ना एक बारी ना हम सारे जितने भी उनसे छोटे थे ना, हमने बोला भैया दशहरा, हमें पता नहीं बोला गया था कि दशहरा देखने नहीं जाएंगे ऐसे, मतलब डर लग, उससे पिछली दशहरे पे ना बहुत पता नहीं कुछ ऐसे जलने जुलने का हादसा सुन लिया था। उसके बाद सारे घर के मतलब बड़ों ने डरे पड़े थे, बोल रहे थे नहीं देखने जाएंगे। तो हमने बोला भैया अपना घर पर तो जो रावण बना दो, भैया थोड़े क्रिएटिव से थे ऐसे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने में, तो हमने बोला भैया आप ना मतलब घर पे बनाओ, तो हम ना छत पे खेल रहे थे, भैया ने मुझे आज भी याद है वो होती है ना हमारी कैन वाली कोक की बॉटल, उस पे ऐसे पेपर से कर करके ना रावण बनाया। और दिवाली के दिन आने वाले थे और दिवाली के पटाखे तब तो पड़े होते थे, अब तो बैंड है तब तो पड़े होते थे घर पे भी, तो वो वाले पटाखे उस कैन को नीचे से काट के उसके अंदर घुसाए, ऐसे करके ना रावण बनाया। हमें तो पता नहीं था कि ऐसे अनऑफिशियली रावण नहीं जला सकते हैं घर, पटाखे बज रहे हैं, अनऑफिशियली रावण नहीं जला सकते हैं घर पे। मुझे बाद में पता चला था जब हम बड़े हुए थे कि अगर आपको रावण जलाना होता है तो जो पर्टिकुलर पर्सन ऐसे राम जी के कपड़े पहनता है, क्योंकि ऑब्वियसली आज के ज़माने में कोई भी राम जी नहीं है, हम लोग हेट के भरे पड़े हैं, हम लोग जेलसी के भरे पड़े हैं, तो ऐसे अलाउड नहीं है कि कोई भी ऐसे राम जी बन के वो करे। और जो पर्टिकुलर पर्सन
दशहरे पे ऐसे राम जी वाला वो लेके जलाता है रावण, उसको शायद जाके हरिद्वार जाके नहा के आना पड़ा, आई एम नॉट श्योर, अगर मुझे बताना, मतलब मुझे, मैंने सुना है, मुझे पता है, मैं रात को गूगल से पक्का करके बताऊंगी। तो पर्टिकुलर इंसान वो करता है, ऐसे जलाता है, उसको जाके वहाँ पे नहा के आना पड़ता है, ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर। तो हमें तो पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम नहीं करते, पर तब भैया ने ऐसे बनाया और ना हम बड़े खुश हुए, अरे हमने घर पे रावण बनाया, घर पे रावण बनाया, घर पे रावण बनाया। तो हमें तो पता नहीं था, हम सारे छोटे थे, और हमें पता होता तो हम नहीं करते। और फिर भैया आई और मतलब हम सारे ने, मतलब ऐसे भैया नहीं जलाया था क्योंकि मुझे तो डर भी लगता था, तो हम पीछे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे खुश हो रहे थे कि रावण का लाने वाला हमें, हम बड़े, तो मुझे जस्ट याद आई वो बात कि हमने घर पे ऐसे रावण जलाया था अभी, और अब तो नहीं जाएंगे अभी ऑब्वियसली। सो जब जब बचपन में बोलते थे ना सब हमें कि अभी बचपन का मज़ा ले लो, फिर बाद में दिन याद आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको वो दिन याद आते हैं, इट्स जस्ट आपको सबका इकट्ठा होना याद आता है। अब सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब फेस्टिवल पे भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठे होके होना इज़ वेरी वैल्यूएबल। बचपन में होते थे नो डाउट, जैसे जन्माष्टमी भी देखने जाते थे हम, ठीक है, तो मतलब होता है। तो दशहरा तो देखने नहीं जाएंगे और घर पे भी नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा नहाने। और हाँ, उसके बाद भैया और मतलब जिन जिन ने जलाया था शायद वो लोग हरिद्वार जाके आ चुके हैं ऑलरेडी, वो एक बार एक दो बार तो जा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो टेंशन तो नहीं है अब दिमाग में, बट मैं नहीं गई हूँ अभी तक हरिद्वार वैसे। सो यस, आज दशहरा कैसे कैसे मैंने कहा आप देखो, अभी मैं नहा के आ गई हूँ, किचन साफ़ कर दिया, और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी मैंने आपको गुड मॉर्निंग और शायद हैप्पी दशहरा बोला था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में होती हूँ। जिस दिन छुट्टी के दिन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, उस दिन मैं पूरी नींद में होती हूँ, और बनता भी है छुट्टी वाले दिन थोड़ा आलस बनता है, काम वाले दिन तो होता है होश, बट जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं नींद में एकदम, ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो पूरी नींद में होती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है उठना। पर गुगु ने बोला था आज त्यौहार है तो जल्दी टाइम से उठना है, ऐसे नाशपंती नहीं फैलानी। तो टाइम से उठ गए, अच्छा खासा गुड मॉर्निंग करनी, अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, बस अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऑयलिंग वगैरह करूँ क्योंकि मेरे को तेल लगाने का मन कर रहा है। और अभी मैं सोच रही थी आज की मैं मशीन लगाऊंगी, बट मेरा मन नहीं कर रहा अब क्योंकि इट्स दशहरा, तो दशहरा है तो क्यों लगाऊं, सोच रही हूँ कल संडे कल लगा लूँगी, पर आज मेरा तेल लगाने का मन कर रहा है कि मैं थोप थोप के तेल लगा दूँ। तो अगर आपको, अगर आगे ब्लॉग में मेरे सर पे तेल लगा हुआ मिलेगा तो इग्नोर कर। अब आप लोग बोलोगे कि आए दिन तेल लगा के बैठ जाती है और फिर हमें बोलती है देखो मेरा कॉन्फिडेंस, यस ब्रो इट इज़ देयर, सो कोई नहीं, प्लस तेल लगाना अच्छी बात है, ओके, आपकी नसें खुलती हैं, आपका दिमाग तेज तरार काम करता है, दैट्स व्हाई मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। तो चलो आज देखते हैं कैसा दशहरा बीतता है, आपको दिखाते हैं हम कैसा दशहरा बनाते हैं, लेट्स गो। दोस्तों शाम के हो गए 4:30 और पापा मम्मा को लेने जा चुके हैं, और मैं भी जरा ना जल्दी से एडिट कर रही हूँ अपना आज वाला डालने वाला ब्लॉग, क्योंकि फिर मुझे इंजॉय करना है, तो आज मैं डालूँगी दुर्गा पूजा वगैरह वाला, दुर्गा पूजा, और तो आज मैं डालने जा रही हूँ दुर्गा पूजा वाला ब्लॉग। सो पीछे लिम्बो को देखो दोस्तों, जल्दी आ गई। 10 ग्लास लो, ग्लास ले, ग्लास 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 दोस्तों गुगू आई हैं राम लड्डू। मैंने आज सुबह ही बोला था कि मेरा खाने का मन सा कर रहा है, सो ले आए, थोड़े थोड़े खा लेंगे सारे, हो ही जाए। दोस्तों देखो झांकी आ गई। ओ पटाखे बैन नहीं है, क्या हुआ? रेड रेड ऊपर आ रहा है, वो देखो नीचे से आ रहे हैं। ओ भाई ये थोड़ा ज्यादा, हां थोड़ा ज्यादा हमारे घरों को तक, देख ले देख ले देख ले, लाइट नहीं है।
डर गई वो पटाखों से। हाँ हम थोड़ी डर रहे हैं। क्या हुआ? वो आंखें देखो इसकी, पागल है तू। ओ मम्मी मना रही है। ओ ओ ओ बेचारी डर गई। देख लो भाई मत का पटाखे करा। ओ लिमो कोई नहीं बेटे, इसको अंदर लेके जाए। हाँ इसको मम्मा के पास छोड़ो। अरे इतनी देर से खड़ा कर पड़ा, आए हैं नहीं। ये क्या डस्ट पार्टिकल है? आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे कैमरा में नहीं दिख रहा। पहला रथ आ गया, काटा बोर्ड कर दे। आ जाओ ये रहा पहला रथ। पता नहीं कौन है इसमें। आ लिम्बु है। चोल कट जा, मैं देखती हूं कितने के। बस That's it? तो फिर इनकी कौन सी तेरी, और पहले माता रानी आएगी फिर वो आएंगे। और चावल दिखाओ फिर चावल। ओ ले मो, डर गई थी मम्मी आंसुओं के साथ। रुको आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूँ। क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा ये बाहर क्या मोहल्ले में लगाया पड़ा आपने शोर? खाना बना रहे हैं हम। अच्छा जी जरा दिखाते हैं। आ ले लो। लिम्बू शोर मच रहा है नीचे, आपका क्या कहना है इस पे? मैं तो कहना चाहूंगी बकवास है ये लोग, बेफालतू में शोर करते रहते हैं। आई नो बंद कराओ, बंद कराओ इन्हें, बंद कराओ। बदतमीज कहीं के, पता कितना दिल डरता है। हाँ पता है पता है। बंद करो नैन्सी, बंद करो। कराती हूँ। लेट्स ईट दोस्तों, इट्स राजमा चावल टाइम। दोस्तों अब है रस मलाई टाइम, मीठा हो जाए। रस मलाई इज माई फेवरेट। वैसे मैं स्वीट टूथ नहीं हूँ बट रस मलाई और गुगू की खीर, ओ माई गॉड, और गाजर का हलवा घर का ओनली। बाय। सो दोस्तों यही था हमारा ऐसे दशहरा। हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, हम नहीं जाते देखने, हम घर पे ही रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें जितना टाइम मिलता है कि हम घर पे रह सके सारे साथ में, हम वो ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं रैदर देन ऐसे कहीं जाने के। हाँ घूमने घूमने जाने तो ले चलो मतलब। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इतना ज़्यादा लंबा इसे नहीं खींचूंगी, इतने टाइम से मैं दो दिन के कंटिन्यूस वाले मतलब साथ साथ वाले बना रही थी। सो आज सिर्फ दशहरा दशहरा के व्लॉग। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो हाउ यू आज करो मित्रों, दिल को दिखे से दिखा रहे हो ना, हंसते रहो बस रहो। सत श्री अकाल।